यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, पर इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग स्लिप हुए होंगे हिस्ट्री में, तो जिसकी वजह से इन्होंने ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी का स्कल्पचर बना हुआ है ये सामने। जैसे करीब जा रहे हैं केव के, तो अंदर से ठंडी हवा आपको फील होगी। ये पूरी केव है, अंदर ज़्यादा हम जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है। हाँ, ये जब हम जा रहे हैं आहिस्ता केव के अंदर। ये जी हम अंदर आ रहे हैं केव में, ये समा है कुछ अंदर केव का। यहाँ से अंदर जैसे ही जाते जाएंगे तो हमें जो है इस केव की जो गार है उसकी ठंडक का एहसास आपको होता रहेगा। बाकी है कि सिर्फ ये केव ही है और ये लाइटिंग है, मुख्तलिफ रास्ते हैं अंदर जाने के, वो आपको देखने पड़ेंगे, मतलब कि अंदर जाके देखना होगा क्या मनाजिर हैं। और तंग गलियां हैंगी कुछ, ये इस तरह केव में कुछ गलियां बनी हुई हैं, अंदर जाके आप जो है अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं और जो है कुछ केव के नज़ारे भी ले सकते हैं। चलें जी, वीडियो बना रहे हैं। टाइम टू एडवेंचर, चलो चलो चलिए, डर के आगे जीत है। क्या फोटो स्पॉट है ये? हाँ, आजा ये
तो मुझे किसी बिल्ली विल्ली का काम लग रहा है। हेलो आसिम भाई, कैसा नाम एडवेंचर पार भाई? बहुत अच्छा, हाइकिंग बड़ी मजे की, सब देख के चलिए वापस चलते हैं। बस जी इतना सही एडवेंचर था। बस जी यहाँ पर यही है, फूल बुलैया से कुछ गारें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं और बस थोड़ा घूम फिर सकते हैं। बाकी जो बाहर निकलने का रास्ता है वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है इन्होंने, वो अब यहाँ से फ्री होकर फिर हम मैं आपको वो दिखाता हूँ जगह। यहाँ से जी हो गए, यहाँ पर हम एंड पॉइंट से हुए हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये था हमारा केव एंड केव पॉइंट, सारे हमने कवर कर लिए, अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। बाहर की तरफ निकला है और अब सूरज की रोशनी से आपको अंदाजा हो गया होगा। ये जी एग्जिट वे से निकलते हुए ये कुछ मिरर्स वगैरह लगाए हुए इन्होंने, यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इन्होंने यहाँ से साइनेजेस हटा दिए हैं। बाकी इंसान को जिस तरीके से जिस मिट्टियों से जो है बना के तख्लीक किया है अल्लाह ताला ने, वो यहाँ पर उन किस्म की जो है मिट्टियाँ यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से तख्लीक किया। बाकी यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन बोर्ड था वो हटा दिया। ये एक शजरा नस्ब किया एक दरख्त बनाया हुआ है कि हज़रत आदम की औलाद से हज़रत आदम, काबिल, हाबिल, अनुशेज, अलियारिद और मिहाज, और जो इद्रीस और मतवल्ले और लमक और नूह, ये उसका पूरा एक ट्री बनाया हुआ है उन्होंने, फैमिली ट्री। चलें जी अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और यही थे कुछ मनाजर। बाकी कुछ ये स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, और जो है यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए ऊपर जाने के लिए। ऊपर जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ पर जाने के लिए उन्होंने ये रास्ते, ये बैरियर्स खड़े किए हैं रोप के ज़रिए ताकि ऊपर कोई जा ना सके, क्योंकि जगह स्लिपरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से इन्होंने ये पैर बनाया हुआ है जिनका साइज़ था कोई 15 मीटर के करीब। ये पूरा ये पाँव का जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है इधर। ये जी एक कोटेशन लिखी हुई है अरबी में और इंग्लिश में, जिसमें लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बिल्कुल ही नायाब तरीके से बना के इस ज़मीन पे भेजा है, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर भेजा गया है। और इंसान का जो मकसद है वो कोई भी कोई गलती करना या मतलब किसी के साथ बदसलूकी करने का हक नहीं है इंसान को। दोस्तों ये थे मनाज़िर अलकारा हिल या अलकारा हिल माउंटेन आप कह लें इसको, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव जगह है, अच्छा स्पॉट है। पर गर्मियों में तो थोड़ी सी जो है तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप मोस्टली जो 50% है ओपन इन्वायरमेंट में जगह बनी हुई है जो आपको घूमनी होती है। बाकी कुछ एरिया है जहाँ पर केव्स हैं वो ठंडी जगह है। बाकी ये कि मैंने कुछ ड्रोन शॉट भी लिए हैं और हो सकता है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे, पर ये ड्रोन शॉट बनाने के टाइम जब ये शुक्र है कि मैंने सारे शॉट ले लिया, तो फिर अंदर से सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ है कि भाई ये ममनू है इधर, ये आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई मेरे पास लाइसेंस भी है और परमिट भी है, तो उन्होंने कहा चाहे आपके पास लाइसेंस परमिट है पर यहाँ के लिए आपको अलग परमिट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी जगह बनाई अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी कमाई का जरिए के लिए। तो खैर बस यही तक था आज का हमारा सफ़र, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई।
डिनर है हमारा आज का वापसी में। इसको कहते हैं अरबिक पेस्ट्री पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बॉक्स बॉक्स और सादा। हैप्पीनेस बॉक्स, इसमें है बाज़ूका चिकन, बाज़ूका चिकन स्ट्रिप और बाज़ूका मिक्स चीज़। इन तीनों के लिए अलग अलग सॉसेजेस दी जाएंगी, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। ये तीन सॉसेजेस हैं इसमें, एक में है केचप है, एक में हनी है और एक अल जज़ीरा। हाँ 1000 ड्रेसिंग। ओके ये जी हमारा आज का डिनर है। इसके अलावा क्योंकि ड्राइव काफ़ी लंबी थी और हमारा कोई रहने का प्लान भी नहीं था, तो ऑल द वे फ्रॉम खासा टू जुबैल हम जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो खाना लिया मैंने, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, और खाना लेके जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। और घर पहुँच के अब जो है सामान सारा ऊपर लेके जाना है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर आज की पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।